मेरी आरज़ू, मेरी तमन्ना, हमारे असलम रजा नूरी साहब की शेर शायरी और बारिश की इस सरजमीन का वो नायाब चेहरा शायर इस्लाम मुमताज जमन साहब ने यकीनन इस महफिल को जमा दिया है और यकीनन हमारे इमाम साहब को ने सिर पर जमाया नहीं है बल्कि उसको चमन बना दिया है। क्या बात है, हजरत भी जुमला बहुत बेहतर देते हैं। आपके इमाम साहब अल्लाह इनको सलाम रखे। मेरे सरजमी के लोग बहुत मोहब्बत है और इन मोहब्बत को मैंने तकरीबन 8 साल झेला है। रबी काबा की बारगाह में बहुत से बार की महफिल में तकरीर की आवाज़ से बदल बारगाह इलाही की तरफ मैं अपने आप को रुझू करके ये मैं कहता हूँ कि अगर एहसान रज़ा की ज़बान से हमारी कौम से हमारे मरीज से 8 साल जिंदगी से अगर किसी को तकलीफें पहुँची हो दिल आज़ाद करनी होगी खसूस हमारे सुन्नी भाइयों को तो अल्लाह की रज़ा की खातिर माफ़ फरमा दे। मिलत इस्लामिया ये देख रहे हैं कि इधर बितर का माहौल बन चुका है और किसी को सुनने का मोमेंट भी नहीं है। इधर बैठिए, मेरे हाथ दर्द यहाँ बहुत क्यों 15 मिनट है इंशाल्लाह हमारे घर में आधा कर दूँ मेरी तकलीरें आपने प्रार्थना सुनी है। यही महफिल थी, यही मजमा था और यही सामने चमकने वाले चेहरे मौजूद थे। एक साल आगे मैं यहीं पर आया हुआ था। आपने बड़ी मोहब्बत से मुझे नवाजा है। अगर मैं तकलीफ शुरू करूं तो मैं समझ में नहीं आ रहा है कि किस मौजू में शुरू करूं, लेकिन बस कुछ जुमले आपके सामने अर्ज करके मैं और किसी की दिल आज़ादी करना, किसी को तकलीफें देना यकीनन हमें भी जेब नहीं है और आपको भी जेब नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इतना दूर से आकर के मैंने आपको सलाम किया है। अगर आपके दिलों में एहसान रज़ा की मोहब्बत है और आप जानते हैं कि हमारे 8 साल की नमाज का हाफिज़ भी एहसान रज़ा है तो उसको मोहब्बतों से जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। प्यारे जान इस महफिल में बैठा हूँ, सरकार और से पाक के शान में सिर्फ एक दो झूले, क्योंकि 5 मिनट का रास्ता होता है, एक दो झूले आपके सामने पेश कर दिए। उसके बाद में करते हैं इंशाअल्लाह अज़ीम आज हमारी महफिल में फिर मुकम्मल तौर पर जो है बयान यहाँ का आज आया महफिल है इंशाअल्लाह अज़ीम को बुलाया है। फिर आप ये चेहरे होंगे, ये मेरे भी चेहरे होंगे, हमारे मकान होगी और आपके हाथों के कानून का इस्तेमाल हमारी इंशाअल्लाह। गौसे आज़म आज़म है मकाम आपका कहिए सुभान अल्लाह। गौसे आज़म आज़म है मकाम आपका, इसलिए सबके लब पे है नाम आपका। सुभान अल्लाह। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया शायद। इसलिए सबके लब पे है नाम आपका। कैसा नाम है इसकी तहकीक को तो मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन प्यारे बस इतना समझ लो ये वो नाम है कि अभी आए नहीं है लेकिन उसका तस्करा हो रहा है। अभी इस खास बारे की तीर में आप तशरीफ नहीं लाए हैं, हजरत जुनैद
खुदा की अपनी विशालत अदा करा रहे हैं। आप अभी इस दुनिया के अंदर में मबऊस सही हुए हैं, लेकिन कायनात के अंदर में जो नबियों के सरदार है, इमामुल अंबिया है, वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ऐ अबू तालिब याद रखना, तेरे घर में जो बच्चा पैदा होगा वो कोई मामूली बच्चा नहीं है। आप फरमाते हैं ऐ अबू तालिब, इस बात का गवाह रखना कि तेरे घर में जो बच्चा पैदा होगा वो अल्लाह का भी महबूब होगा, रसूल अल्लाह का भी महबूब होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। धरवत्ता हो गया काट कुटी सारे पर इतने को मुंह दिखते नहीं हाथ रहते लेकिन मैं माजरत की खा हूँ, ये जो चमकते हुए जो शायर का जो इंतखाब किया था वो एहसान अदा ही नहीं किया था, मैं आपके सामने कोई बहाना इधर उधर की बातें पेश नहीं कर सकता। इसने जो अपना काम किया है अपने वक्त के मुताबिक उसने काम किया, ये अलग बात है, एहसान अदा हुआ वो ही मिला। लेकिन आज ये पूछा, एक फरमान को सुन लें उनके बाद जो है उनका मकाम क्या है और उनका शान क्या है। हुजूर गौसे पाक की ज़बान नहीं बल्कि आप इस दुनिया में, और एक बात याद रखें, इसको सुनने से पहले आपको समझ होनी चाहिए कि हुजूर इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, आदम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, लेकिन वो क्या कह रहे थे, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों, ऐ मेरी औलाद नस्ल इंसानी, याद रखें कि तुम मुझे मानते हो, मुझसे नस्ल चला है, लेकिन उनको मानना जो हमारे बाद आने वाले हैं। किसने कहा, हजरत आदम ने कहा कि मेरे नस्ल को याद रखना, तुम मुझे मानते हो, मेरे बाद जो आने वाले हैं तुम उसे मानना। हजरत ईसा का दौर आया तो आप इशारा दी कि तुम मुझे मानते हो लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है तुम उसे जरूर मानना। हजरत इब्राहिम की बारी आई तो आपने कौम को बताया कि तुम मुझे मानते हो लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है तुम उसे मानना। इस्माइल की बारी आई, आपने बताया कि तुम मुझे मानते हो, मेरे बाद जो आने वाला है तुम उसे मानना। जिसने कहा इला इला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आज जिसके महीने बाद में हम और आप बैठे हैं, यकीन इसकी नस्बत दो तरीके से है, एक तरफ मेरे सरकार की नस्बत है तो दूसरी तरफ सरकार और विभाग की नस्बत है। अल्लाह सरकार से पाक की मिलावत का वक्त करीब होता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर से पाक की बिशारत देने میری طبیعت بگڑ گئی، میں نے اپنی شوہر جان کو آواز کی، وہ قریب آ گیا، جب اس نے میری بے چینی کو دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا، کبھی حجرے میں جاتے کبھی حجرے سے باہر،
फिर कभी हुर्रे में जाते फिर हुर्रे से कभी बाहर छीप जाते। मैंने कहा कि ऐ मेरे शोले जान तकदीर मुझको हो रही है, दर्द आपको हो रहा है, मामला क्या है? कहा कि ये ना पूछ के मामला क्या है। आप फरमाते हैं कभी इसी किस्म का मामला था, आपके अंदर में एक खिचड़ी पाई जा रही थी। अल्लाह अल्लाह आप फरमाते हैं ये कौन कह रहे हैं? हजरत अबू सालेह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मेरी तबीयत को जब उजाड़ होने लगी, तबीयत के अंदर में बेचैनी जब पैदा होने लगी, तो मैं रूम में जाता फिर बाहर चला था। इतने में मैंने क्या देखा, एक हवा हवा झोंका आने लगा। वो हवा को कोई ठंड थी, वो ठंडी करीब करीब आने लगी। फिर कुछ देर के बाद मैंने क्या देखा, एक खुशबू आने लगी। जब वो मेरे नाक के लगे से अंदर में पहुंचती है तो मुझे नींद का गलबा आ जाता है। जब ये वक्त गुजर गया लिखने वालों ने लिखा, तारीख के किताबों ने नहीं बल्कि तमाम मोहतबर मुहद्दिसीन कराम ने इस वाक्य को रिवायत किया है। इस तरीके से रिवायत किया है, जरा गौर करने का मकाम है। ये हजरत अबू सालेह की ज़बान है, कुर्बान जाऊँ ये कोई और नहीं बल्कि हुजूर गौसे पाक के वालिद की ज़बान है। आप फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह का क्या इतने मौजू को मैं एक जगह पर समेट नहीं सकता। इंशाअल्लाह अज़ीम आने वाली वक्त में ऐसा गज़ा की ज़बान चलेगी और अल्लाह उसके रसूल का कलाम होगा। आपको तकलीफ देकर मैं यहाँ पर बैठना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आइए तबारक तआला की बारगाह में अदब और एहतराम के माहौल में सबसे पहले बारगाह खुदावंदी की तरफ रुजू होकर के हमारे साथ पढ़ लीजिए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ذنبي وأتوب إليه لا إله إلا الله محمد رسول الله وأتوب إليه.